अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज. अब मैं ऑब्जेक्ट को नहीं घुमाना चाहता, अब मैं मिरर घुमाना चाहता हूं. अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास सपोज ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है ऐसे, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसकी इमेज एग्जैक्टली आपको राइट साइड पे मिलेगी ऐसे. ऑब्जेक्ट की इमेज राइट साइड पे मिलेगी. कोई डाउट इसमें? बात होगी खत्म. अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर को घुमा दिया ऐसे, ये मेरा मिरर है, और मैंने कितना घुमाया, मैंने इसको घुमा दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा. ठीक है यहां तक? तो मैंने थीटा घुमा दिया. यहां पे मैं ये देखना चाहता हूं अब इमेज कहां बनेगी. देखो एक बात तो पक्की है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ठीक, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पुराने मिरर के हिसाब से इमेज ये बनती है, पर नए मिरर के हिसाब से अगर ये ऑब्जेक्ट है, रे जाएगी और यहां से टकरा के रिफ्लेक्शन होके यहां कहीं जाएगी, है ना. मिरर ये है, रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, ये नॉर्मल होगा इसके बीच में से, ये और ये एंगल भी बराबर होने वाले हैं, और रे बनाने का डायग्राम क्या है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से इस रे को और इस रे को मिलाओ, जहां ये मिलेगी वहां इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी. मतलब कहने का मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में M पुराना मिरर है, M डैश नया मिरर है, ये रे ऑफ लाइट नए मिरर पे आई, टकराई और इधर चली गई, आपने मिरर को कितना घुमाया, आपने मिरर को थीटा घुमाया हुआ है, ये थीटा एंगल है, तो आपको ये बताना है कि पुरानी इमेज यहां बन रही है, नई इमेज यहां बन रही है, तो वो नई इमेज कितने एंगल पर घूमी है. तुम्हें रे डायग्राम नहीं चाहिए, आप टेंशन मत लो, तुमसे कोई रे डायग्राम नहीं बनाएगा, बस पता होना चाहिए एंगल का फाइनल रिजल्ट क्या है. तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन, अगर ये थीटा है, ये और ये नॉर्मल 90 डिग्री पे है, अगर ये थीटा है तो टोटल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये और ये भी 90 पे है, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, थीटा. और अगर ये थीटा है तो व्हाट, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, थीटा. और अगर ये दोनों थीटा है तो टोटल कितने हैं, 2 थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी कितने हैं, 2 थीटा. रे डायग्राम तुमसे कोई ना पूछेगा, सीधा रिजल्ट याद करो. क्या रिजल्ट है? अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, आपकी इमेज भी क्लॉकवाइज घूम गई बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा. सीधा रिजल्ट है, तुम्हारा मिरर अगर क्लॉकवाइज घूमा, इमेज भी क्लॉकवाइज घूमेगी, पर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा मिरर थीटा एंगल घूमा तो इमेज 2 थीटा. तो ऑब्जेक्टिव आएगा, मिरर 30 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज तो इमेज कैसे घूमेगी, 60 डिग्री क्लॉकवाइज. ये मार्क करना है. कोई डाउट इसमें? रे डायग्राम आपको समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं आएगा, बस आप सीधा रिजल्ट को याद करें. तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट,